नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा महेश्वरी, मयूर विहार फेज वन, पतपड़गंज मंडल से भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष। इसके साथ ही मैं योग शिक्षिका के रूप में कार्य करती हूँ तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप नाते समाज में लगन से काम करती हूँ। आइए, आज हमारा एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसे रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। रक्षाबंधन, राखी या सलूनी, ऐसे नाम से इसको पुकारा जाता है। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहन भाई के तिलक करके रक्षा सूत्र बांधकर अपने रक्षा के तथा भाई के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। रक्षाबंधन एक त्यौहार, ऐसा त्यौहार है जो भारतीय संस्कृति में सबसे बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसकी परंपरा केवल भारत में ही देखी जा सकती है। भारतीयता को देखते हुए आजकल विदेशों में भी इसका प्रचलन चल गया है। बहुत खुश नसीब होते हैं वे लोग जो यहाँ से रक्षा सूत्र उन सैनिकों के लिए भी भेजते हैं जो हमारी बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वे इस समय घर पर आ नहीं पाते हैं। तो हमारे द्वारा, हम बहनों के द्वारा एक रक्षा सूत्र उनको दिया जाता है ताकि वे हमारे देश की रक्षा करें और उनका भविष्य भी उज्जवल हो। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में इसे मनाने की प्रथा है। मिठाई खिलाकर बहन भाई को तथा भाई कुछ उपहार रूप में बहन को, चाहे वो छोटी ही भेंट क्यों ना हो, देता है। इसमें दोनों का प्यार बंधन बंधा रहता है। इसमें कई कथाएं प्रचलित है कि एक समय इंद्रराज और किसी राक्षस के बीच युद्ध होने जा रहा था। तब इंद्राणी शची ने इंद्रराज के एक रक्षा सूत्र बांधकर उनको विजय की कामना दी, और यह सच साबित हुआ कि जब वे युद्ध में गए तो विजय होकर लौटे। इस प्रकार कई कथाएं प्रचलित है। द्रौपदी ने भी श्री कृष्ण जी को राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा की कामना की थी। आजकल पूरे बाजारों में, इन दिनों महीने भर पहले से ही बाजारों में रौनक लगी होती है। कई प्रकार की राखियां मिलती हैं। पहले तो केवल एक सूती धागा रक्षा के रूप में दिया जाता था, बांधा जाता था, लेकिन अब कई प्रकार की राखियां मिलती हैं जिसमें मोती भी होते हैं, थोड़े अलग अलग प्रकार के डिफरेंट छोटी से बड़ी राखियां मिलती हैं। छोटे बच्चों के लिए भी पिंग पोंग राखियां मिलती हैं जो वे बड़े खुशी से बांधते हैं। देखिए, रक्षाबंधन एक भाई बहन का त्यौहार तो है ही है, लेकिन यदि हम राष्ट्र के बारे में सोचें तो राष्ट्रहित के लिए उन भाइयों को तथा बहनों को मैं आह्वान करूंगी कि हमें आपस में अपनी रक्षा करनी ही करनी है तथा हमारे राष्ट्र की भी रक्षा करनी है, राष्ट्र प्रेम जागृत करना है। साथ ही सावन की पूर्णिमा, ऐसा समय जब रिमझिम बारिश होती हो, छोटी छोटी फुहारें आती हो और बेटियां अपने पीहर जाती हो, झूला झूलती हो, तथा ऐसे सुहावने मौसम में रक्षाबंधन तथा तीज का त्यौहार, राखी एक ऐसा त्यौहार मनाया गया है कि जिसमें अब भाई बहनों ने समाज में सेविकाएं जो होती है वे भी बंधुओं को राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा की कामना करती है। मैं सभी भारतवासियों को तथा विदेश में बसे हुए उन सभी भारतवासियों को रक्षाबंधन की बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आपका जीवन सफल रहे और हमारी रक्षा होती रहे। धन्यवाद। नमस्कार।